फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आपने बैकलिंक्स या फिर इनको इनबाउंड लिंक भी कहा जाता है, इनका नाम जरूर सुना होगा। क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे यूज होते हैं, जानेंगे इस वीडियो में, देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। बैकलिंक्स को इनबाउंड या इनकमिंग लिंक्स भी कहा जाता है। इनकमिंग लिंक, इनबाउंड लिंक, मतलब कि कुछ आ रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा लिंक जिससे कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, एक लिंक जो कि आपने दूसरी वेबसाइट पे डाल दिया, तो उस वेबसाइट पे जब कोई आपके लिंक को क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है इनबाउंड या इनकमिंग या बैकलिंक। तो बैकलिंक का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्रॉस वेबसाइट पे अपने लिंक्स बनाना। अ लिंक दैट कनेक्ट्स वेबसाइट ए टू वेबसाइट बी, फॉर वेबसाइट बी इट विल बी कॉल्ड एज बैकलिंक बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग ट्रैफिक टू वेबसाइट बी फ्रॉम अ लिंक दैट वॉज पेस्टेड ऑन वेबसाइट ए। एक वेबसाइट है वेबसाइट ए, दूसरी वेबसाइट है वेबसाइट बी। वेबसाइट ए पे वेबसाइट बी ने अपना लिंक लगा दिया, अपने कॉन्टैक्ट से कि भाई तू मेरा लिंक लगा दे। किसी ने वेबसाइट ए पे क्लिक किया और वो वेबसाइट बी पे गया, तो वेबसाइट बी के लिए वो इनबाउंड लिंक है, या उसको इनकमिंग लिंक कह लो, या फिर आम भाषा में बैक लिंक कह लो। तो ये है बैक लिंक का कॉन्सेप्ट। अब इनका यूज़ क्यों होता है, ये सबसे बड़ी बात। दोस्तों बैक लिंक्स का यूज़ क्यों होता है, सबसे बड़ा जो इसका यूज़ है वो SEO में है, यानी कि ऑर्गेनिकली नेचुरली जो आपकी साइट पर विजिट्स आती हैं उनको मैक्सिमाइज करने के लिए बैकलिंक्स एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैकलिंक का सीधे से सीधा आप देखो तो एक ट्रस्ट फैक्टर है, ठीक है। आप मान लो आपकी एक वेबसाइट है और एक दूसरी वेबसाइट जो कि एक बहुत ही रिनोन रेपुटेबल वेबसाइट है, उस वेबसाइट ने आपका लिंक मैंशन किया। मान लो HP एक कंप्यूटर सेलिंग कंपनी है, कंप्यूटर्स बेचती है अपनी वेबसाइट पे। HP एनीवे बहुत रेपुटेड कंपनी है, लेकिन HP के बारे में, HP के जो लिंक्स हैं वो एक किसी दूसरी अच्छी वेबसाइट पे मेंशन है, जैसे कि कोई ब्लॉगर कोई है वेबसाइट, मशहूर वेबसाइट है, वहाँ पे वो लिंक्स मेंशन है। तो गूगल अपने इंडेक्सेशन प्रोसेस में, अपने रैंकिंग प्रोसेस में एक ऐसी वेबसाइट को हमेशा ज़्यादा अच्छी रैंकिंग देगा जिसके बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स हैं, क्योंकि बैकलिंक्स का मतलब है, और स्पेशली अगर वो बैकलिंक्स किसी अच्छी रिनोन्ड रेपुटेबल वेबसाइट पे क्रिएटेड हैं, तो एक ट्रस्ट फैक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है कि भाई इतनी अच्छी वेबसाइट पे जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, वो ट्रैफिक टाइम भी स्पेंड कर रहा है और वो कस्टमर्स बहुत सारे एक पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कर रहे हैं जो लिंक एक दूसरी वेबसाइट पे ले जा रहा है, तो गूगल उस डेस्टिनेशन वेबसाइट की रैंकिंग अपने इंडेक्सेशन में, अपने रैंकिंग प्रोसेस में हाई कर देगा। इसलिए क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर उस वेबसाइट के साथ जुड़ जाएगा कि भाई इतने लोग इस पर क्लिक करके इसको देख रहे हैं, तो ज़रूर कुछ अच्छी वेबसाइट, अच्छा कंटेंट होगा यूज़र के लिए या रेलेवेंट कंटेंट होगा उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए। थैंक यू।